गाइस ये देखो आपको सारी की सारी लोकेशन दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो बच्चे की डेथ हो जाए, लोकेशन देख लो सारी लोकेशन। आप खेल रहा हूँ यहाँ पे, हेलो गाइज। गाइज आप सबके अपने चैनल रहस्य 2M में आपका भाई वीरू सिंह स्वागत करता है। गाइज आ चुका एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कि बताया जाता है कि यहाँ पे एक बच्चे की मौत हुई थी। गाइज यहाँ पे एक लेबर रहती थी, यहाँ पे एक लेबर काम करती भट्टा ये। तो गाइज यहाँ पे वो बच्चा दिखाई देता है। तो गाइज आज मैं यहाँ पे आया हूँ ये चेक करने के लिए कि वास्तव में रियल में क्या वो बच्चा यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ एक्टिविटी हो रही है, नोटिस की होगी आपने, ये मूव करिए अभी कुछ आंखों के सामने, ये मूव करिए गाइस। ये देखो आपको सारी की सारी लोकेशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप लोकेशन देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे गाइस किस टाइप से आप मिट्टी देख सकते हो, मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पे ईंटें बनती है, आगे भट्टा है। बट यहाँ पे ना गाइस घर बने हुए हैं काफ़ी, जो कि लेबर आती है ना यूपी साइड की लेबर आती है, तो वो यहाँ पे काम करती है आके। तो गाइस उनमें से कोई बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके कारण गाइस बताया जाता है कि आज भी वो बच्चा यहाँ पे दिखाई देता है। तो गाइस सबसे पहले आप ये लोकेशन देख सकते हो, सारी की सारी लोकेशन मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा। रात मच्छर चला गया था मुंह के अंदर, रात का काफी टाइम हो चुका है, यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा है, रात का काफी टाइम हो चुका है। रात का टाइम भी आपको बताऊंगा, सारी लोकेशन आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, दूर से आप लोकेशन देख लो, सारी लोकेशन आपको पता चल जाए। देखो ये वो लोकेशन है, ये लोकेशन आप देख सकते हो, और यहाँ पे बताया जाता है कि वो बच्चा दिखाई देता है और रात को यहाँ पे काम भी करता है, खेलता दिखाई देता है। कौन है गाइस, आवाज आ रही है, और आपको विश्वास दिलाने के लिए सामने आप देख सकते हो वो भट्टा है। ठीक यहाँ पे वो लेबर रहती थी, अभी ना रोने क्या, अभी मुझे ना साउंड आया है। कौन है, इस साइड से साउंड आया रोने का, मैं इधर जाके देख लेते हैं। कौन है यहाँ पे, गाइस अंदर कुछ भी हो सकता है, अपने जाके तो देखेंगे अंदर, पहले अगर बाहर से चेक कर लेते तो कुछ है क्या। नहीं ये आप देख सकते हो, कौन है गाइस, कोई तो है गाइस, एक्टिविटी हुई है, ये मूव हुआ है, कैमरे के सामने ही मूव हुआ है, जो भी एक्टिविटी हुई आगे सामने मैंने रखने की कोशिश की है। कौन है, ओ भाई गाइस ये चीज आपने देखी, ये बच्चा खेल खेल रहा हुआ यहाँ पे, अभी मैंने इसको देखा है, अभी मैंने इसको यहाँ पे देखा, देख सकते हो गाइस, ये देखो कोई भी नहीं है, ये देखो कोई भी नहीं है, चारों साइड कैमरा करके दिखा रहा हूँ, ये टेर मूव हुआ अपनी जगह से। ठीक जो भी एक्टिविटी हो रही है, कौन है यहाँ पे, आप मेरे आसपास हो, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया। और गाइस उस साइड में गाइस, इधर मैंने किसी को देखा है गाइस, आवाज आती है गाइस, गाइस आवाज आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है गाइस, बुलबुली है जरा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो खेल रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, हंसने की आवाज आ रही है गाइस, गाइस लोग लग रहा है गाइस, गाइस कुछ चल के आ रहा है, किसी की चलने की आवाज सुनाई दे रही है।
इसके अंदर कौन है? गाइस ये मूव हो रही है, पता नहीं कैसे ये मूव हो रही है, ये आप देख सकते हो आपके सामने जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी के यहाँ चलने का साउंड आ रहा है एकदम क्लियर, और यहाँ पे कोई जानवर है, खतरनाक कोई जानवर है, पता नहीं कुछ तो है यहाँ पे। मैंने भी नोटिस किया, देखो मैं छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता रहता हूँ जो भी मुझे दिखाई दे दे। हाँ मुझे पता आप यहाँ पे ही हो, हम यहाँ कहीं उसने कोई इशारा करा है गाइस, वो यहाँ पे ही है गाइस। सारे कमरे घर देख सकते हो, ये भी दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे ही दिखाई देते हैं ओ भाई कौन है गाइस? यहाँ पे कोई बैठा था अभी, तो गुजर ही गया अभी यहाँ से। कौन है इधर गाइस? कोई तो था यहाँ पे, एकदम कैमरे के अंदर कैप्चर हुआ है। इस साइड में गया वो, और इस साइड में कोई नहीं है गाइस। वहाँ पे कोई आंखें बनी हुई, कोई है वहाँ पे छुपा हुआ है। अभी अपने देखते हैं वहाँ पे कौन है। इधर कोई था अभी कौन है यहाँ पे? गाइस किसी का होने का एहसास हुआ है मैं भी। जितनी भी हम गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ ना, बताया गया है, और यहाँ पे मैंने महसूस किया, जो भी एक्टिविटी महसूस की है, जो रियल घटना है जो हमने बताई है वहाँ पे कोई पता नहीं कौन है, बच्चा है वो छोटा सा, भाग रहा है इधर उधर। वैसे कैमरे के अंदर एक बार भी कैप्चर हो चुका है, वो वहाँ पे कैप्चर हुआ है, भागता हुआ दिखा है। गाइस ये टेर मेरे पास कैसे आ रहा है? उधर कोई भी नहीं है, और टायर मेरे पास आया है इससे। गाइस टायर गायब, कोई तो है यहाँ पे। मुझे पता हमारे साथ खेल रहे हो, जो भी यहाँ पे वो बच्चा वो हमारे साथ खेल रहा है, और अपने होने का एहसास पूरा दिखा रहा है, और आवाज़ें भी उसके एकदम क्लियर हमें सुनाई दे रही है, जैसे बच्चा बोल रहा हो कुछ। ये देखो आप ये वीडियो ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, जिससे कि आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि रियल में यहाँ पे कुछ है। गाइस यहाँ पे कोई पैरों के निशान बने हुए छोटे छोटे, ये आप नोटिस करो, मैंने अभी नोटिस किया है यहाँ पे पैरों के निशान मैंने एकदम छोटे छोटे भी। ठीक, जो भी मैं चीज़ कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं, ये देखो, और यहाँ पे ना बोलने की आवाज़ आ रही है, और वो टेर कैसे मूव हो रहा है, और जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रियल की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। अबे जो भी एक्टिविटी हो रही है रियल की एक्टिविटी हो रही है। मुझे लगा यहाँ पे कोई खड़ा था अभी, कोई साइडो देखी मैंने अभी, यहाँ से गुजर के गई है गाइस। मैं पूरा चेक करके जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। कुछ भी मुझे ऐसा चीज़ कैप्चर होती है या कुछ भी ऐसा लगा तो मैं आपको शोर बताऊंगा यहाँ पे है।
और गाइज जितनी भी एक्टिविटी हुई है जिससे कन्फर्म है कि चीज़ तो है बट वो सामने नहीं आ रही है जो भी है, और अपने होने का पूरा एहसास दिला रही है। एक वो पेड़ दिखा देता हूँ मैं आपको, और गई जी यहाँ पे देख लो, वो भट्टा देख लो आप, सारी चीज़ें आपको एकदम जो मेरे साथ यहाँ पे घटना हुई है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अकेला आया हूँ, किसी को साथ में नहीं लेके आया, अकेला आके यहाँ पे मैंने सरवाइव किया। और यहाँ पे अब मैंने कहा था कोई तो है फॉलो कर रहा है, और आवाज़ें भी आ रही है नोटिस कर सकते हो आप। गाइस किसी ने पत्थर मारने की कोशिश करी है कैमरे के एकदम जस्ट सामने से, लिख ले जो भी लिख ले। तो गाइस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, रात के काफ़ी टाइम हो चुका है, 1:00 समथिंग चेक कर लो तो मेरा टाइम क्या है, 1:45 हो चुके हैं, तो रात के काफ़ी टाइम हो चुका है तो मुझे यहाँ से भी निकलना होगा। तो एक मैं यहाँ से निकल, तब ये एक आप लोकेशन पूरी दिखा देता हूँ अच्छी तरह, ये आप देख सकते हो ये वो लोकेशन है, सारी मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करा दी है। बाकी आप कमेंट करोगे तो फिर से आऊँगा इसी लोकेशन पे और यहाँ पे आके सर्वाइव करूँगा, आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो। और वीडियो में से कुछ छोटी सी भी छोटी चीज़ आपको लगे ये चीज़ कैप्चर हुई है और आपने नोटिस नहीं की वीरू भाई, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरा कैमरे तरफ कम ध्यान है और मैं सामने देख रहा हूँ, क्योंकि सामने देखने से सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है और जितनी कैमरे के अंदर क्लियर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए कैमरे की जो स्क्रीन है वो छोटी है इससे मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जिसलिए मैं सामने देख रहा हूँ चीज़ों को, बट कोई चीज़ कैमरे के अंदर कैप्चर होगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।